हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज कौस्तव। तो आज का वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो इस वीडियो को स्किप स्किप करके मत देखना, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो आप लोग अगर नहीं देखेंगे तो डिवाइस या फिर कोड आपको कैसे यूज करना है वो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। आज का वीडियो है एक स्मार्ट मोटरसाइकिल या फिर कार बैटरी चार्जर के ऊपर। तो इस बैटरी चार्जर के मदद से आप जो खराब बैटरी है, स्क्रैप वाला बैटरी नहीं है, जो भी थोड़ा सा खराब बैटरी है उसको रिस्टोर भी कर पाएंगे। जैसे कि मेरा बैटरी पहले वाला वो खराब हो चुका है, उसको कैसे रिस्टोर करना है वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। तो वीडियो अगर आप लोग पसंद करते हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एज यू कैन सी गाइस, ये रहा 12 वोल्ट मोटरसाइकिल या फिर कार बैटरी चार्जर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पैकेट के ऊपर लिखा है कि इंटेलिजेंट चार्जर, एंड इसके अंदर वोल्टेज डिटेक्शन भी है। जो भी वोल्टेज है बैटरी के अंदर वो शो करेगा, एंड मल्टीपल प्रोटेक्शन है, बैटरी खराब वगैरह नहीं होगा। टेम्परेचर डिटेक्शन है, मतलब बैटरी के अंदर कितना टेम्परेचर है वो भी ये शो कर देगा, एंड पल्स टू रिपेयर, ये सबसे इसका खास चीज़ है जिसके मदद से आप थोड़ा सा खराब जो बैटरी है जो फुल चार्ज शो करता है बट उसमें से आउटपुट ठीक से नहीं निकालता है वो आप ठीक कर सकते हो। एंड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी है, एंड ऑटो स्टॉप है, चार्ज कंप्लीट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक स्टॉप भी हो जाएगा। तो इसका वर्शन जो है वो 5.0 वर्शन है, तो ये वर्शन को देख के आप खरीदना अगर खरीदना चाहते हो तो। इस पैकेट को खोल लेते हैं। तो पैकेट खोलते ही हमको जो मेन डिवाइस है चार्जर वो मिल जाता है, एंड इसके अंदर कुछ मैनुअल है। मैनुअल को अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू यूज, हाउ टू रिस्टोर, एंड समर एंड विंटर मोड, सब कुछ के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अभी चलते हैं मेन डिवाइस की ओर। तो आप देख सकते हो ये रहा इसका मेन डिवाइस, एंड यहाँ पर चार्ज देने के लिए जो प्लग वगैरह होते हैं वो, एंड यहाँ पर आपको पावर कनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हो 12 वोल्ट 4 एम्पियर 200 एम्पियर, तो 4 एम्पियर का जो बैटरी है उससे 100 एम्पियर तक जो भी बैटरी वगैरह है कार या फिर मोटरसाइकिल का वो आप चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख लो चार्ज का एक एलईडी है, यहाँ पर फॉल्ट का एक एलईडी है। अगर कुछ फॉल्ट है बैटरी में तो फॉल्ट का जो एलईडी है वो शो करेगा, एंड यहाँ पर और एक है रिपेयर, तो रिपेयर की बटन भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक एलसीडी डिस्प्ले है। इस वाले चार्जर को मैं अभी टेस्ट करूंगा आप लोगों के सामने, जो मेरा पुराना वाला बैटरी है उसको लाते हैं एंड इस वाले चार्जर को टेस्ट करके देखते हैं। गाइस, ये रहा मेरा पुराना वाला बैटरी। तो अभी ये वाला जो टर्मिनल है प्लस के साथ रेड वाला जाएगा प्लस में, और जो ब्लैक वाला है वो जाएगा नेगेटिव में। तो अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसका जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस है, एंड वोल्टेज जो है वो 10.2 है। तो 10.2 है वो ठीक नहीं है, इससे ज़्यादा होना चाहिए, आप लोग भी जानते हो। तो अभी आप लोग देख लो यहाँ पर रिपेयर का लोगो है, फुल चार्ज का लोगो है, रिस्टोर का लोगो है, एंड यहाँ पर कितना चार्ज हुआ है वो सब कुछ भी यहाँ पर दिखा रहा है। तो चलिए इसको जल्दी से कनेक्ट करते हैं। ये बार मैंने चार्जर को कनेक्ट कर दिया है तो थोड़ा सा जो कनेक्शन है उसमें प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि चार्ज भी लिख रहा है, यहाँ पर फुल ये भी शो कर रहा है, क्योंकि ये वाला जो बैटरी है एक खराब है। आप लोग भी जानते हो इस बैटरी को मैं रिजेक्ट कर चुका हूँ, बट इसको हम लोग अभी रिस्टोर कर सकते हैं। तो रिस्टोर करने के लिए आपको ये वाला जो रिपेयर बटन है इसको प्रेस करना है, देख सकते हो। प्रेस करने के बाद यहाँ पर ये ब्लिंक करेगा, एंड रिपेयर जो लोगो है वो भी शो करेगा, एंड यहाँ पर पुल लिखा हुआ आएगा। ऐसे ये ब्लिंक करेगा, एंड ये 24 आवर्स तक चल सकता है मैक्सिमम, क्योंकि ये जो डिवाइस है ये बैटरी को रिपेयर करेगा, एंड उसके बाद बैटरी को चार्ज कर देगा, एंड चार्ज होने के बाद ऑटोमेटिकली ये स्टॉप हो जाएगा। 2 घंटे भी लग सकता है, 3 घंटे भी लग सकते हैं, एंड मैक्सिमम 24 आवर्स तक लग सकते हैं। अगर नहीं होगा 24 आवर्स के अंदर तो बैटरी एकदम खराब हो चुका है, उसको फेंक देना है आपको। यहाँ पर मैं अभी इस प्रोसेस को कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैंसिल करने के लिए आपको रिपेयर जो बटन है उसको और एक बार प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से सेम चीज लिखा हुआ आ रहा है कि फुल है, एंड 13.8 वोल्टेज है, तो ऐसे ही आपको शो कर देगा। एंड यहाँ पर मैं अगर डिस्कनेक्ट करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिपेयर कर रहा था थोड़ा सा। तो अभी डिस्कनेक्टेड है, अभी देखो वोल्टेज क्या है, 10.2 है, एंड जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, ठीक है,
22 डिग्री सेल्सियस तक था, अभी है 27 डिग्री सेल्सियस। तो जो बैटरी है उसके अंदर कुछ पल्स रिपेयर जो प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं उसको ये ठीक कर रहा था। तो इसके मदद से आप खराब बैटरी को ठीक कर सकते हैं, नॉर्मल चार्ज भी कर सकते हो। नॉर्मल चार्ज के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला जो मैंने जैसे कनेक्ट किया इसको कनेक्ट करना है एंड ये वाला जो है इसको पावर देना है, बस ये ऑटोमेटिकली चार्ज कर देगा एंड चार्ज होने के बाद ये ऑटो स्टॉप भी हो जाएगा, आपको देखना भी नहीं है एंड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी इसके अंदर है। बहुत ही अच्छा डिवाइस है, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। सो गाइज, मैंने आप लोगों को दिखाया कि कैसे आप लोग कार या फिर मोटरसाइकिल का जो नॉर्मल बैटरी है उसको चार्ज कर सकते हो एंड कैसे जो थोड़ा सा खराब बैटरी है उसको भी कैसे रिस्टोर कर सकते हो। ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है एंड और एक चीज है, आप कोई भी बैटरी को हाई एम्पियर से मत चार्ज करो, इससे जो बैटरी है वो जल्दी खराब हो जाता है। तो जो मोटरसाइकिल शॉप वगैरह होते हैं, जो मैकेनिक शॉप वगैरह होते हैं, वहाँ पर हाई एम्पियर से चार्ज करते हैं एंड इसलिए जो बैटरी है जल्दी तो चार्ज हो जाता है बट जो बैटरी है वो जल्दी खराब हो जाता है। इस प्रोडक्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, आप जाइए उधर से चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ही खत्म करते हैं। वीडियो को अगर आप लोग पसंद करते हो तो एक लाइक कर दो एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।